मोदी को हराना है तो विपक्ष को एक साथ आना होगा, ये वो मंत्र था जिसे मोदी के विरोध में सुलगाने के लिए जो फूंक मारी गई उनमें सबसे आगे नीतीश कुमार ही थे। लेकिन इससे पहले कि विपक्ष की ज्वाला लपटों में तब्दील हो पाती, नीतीश को ही किनारे लगा दिया गया। और अब खबरें हैं कि नीतीश नाराज हैं। नाराजगी की वजह एक नहीं हजार कह लीजिए। माना जा रहा है कि पहले जो नीतीश पटना की बैठक में केंद्र में थे, वो बेंगलुरु पहुंचते ही किनारे पहुंच गए। पोस्टर में मनमाफिक जगह न मिलने से आहत नीतीश ने गठबंधन के नाम को लेकर भी जो कहा उसे भी नहीं माना गया। नीतीश को इंतजार था कि बेंगलुरु में संयोजक के नाम का ऐलान होगा, वो भी नहीं हुआ। फिर नीतीश ने सोचा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला ही बन जाए, वो भी नहीं बना। इतना दर्द सहने के बाद अब नीतीश नाराज हो गए और माना जा रहा है कि वो जल्द ही पूरे विपक्ष को गच्चा दे सकते हैं। कयास लगाया जा रहा है कि पलटी मारने में माहिर नीतीश कुमार अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, वो भी तब जब अमित शाह खुद तमाम रैलियों में उनके बीजेपी में नो एंट्री का ऐलान कर चुके हैं। मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो आपको बता दें, ये राजनीति है जहां कौन क्या कहता है इसे ज्यादा मायने ये रखता है कि समय आने पर कौन क्या करता है, जिसके उदाहरण राजभर के रूप में दुनिया देख चुकी है। उन्हीं राजभर के रूप में जो कभी बीजेपी को ही पानी पी पी कर कोसा करते थे, लेकिन आज वो बीजेपी के ही खेमे में है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश भी जल्द ही दोबारा से एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। और शायद यही वजह है कि बेंगलुरु में आहत नीतीश ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू होने से पहले ही वहां से अपना सारा सामान समेट कर चलते बने, जिसमें लालू भी साथ थे। और अब कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में इसी विपक्ष को सबक सिखाने के लिए नीतीश मोदी के पाले में आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो माहौल बना है उसे देखकर 2024 में मोदी को हराना आसान नहीं, वो भी तब जब विपक्ष एकजुट होकर भी एकजुट नजर नहीं आ रहा। और वैसे भी नीतीश को बिहार में उनके विरोधी पलटू राम कहकर हमलावर होते हैं। ऐसे में नीतीश अगर फिर पलट जाए तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार में ही उनकी राजनीति करने का स्टाइल बताता है कि उन्हें किसी भी सूरत में कुर्सी चाहिए होती है, जिसके लिए उन्हें किसी के साथ भी जाने से कोई गुरेज नहीं है। आप क्या कहेंगे इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।